बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वेलकम टू यूनिक फूड किचन। उम्मीद करती हूँ मेरे आप खैरियत से होंगे और अपने घरों में होशबाश होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम बनाने जा रहे हैं लच्छा चिकन। चिकन लच्छा, लच्छा चिकन कह रही हैं, चिकन लच्छा कह रही हैं, रेसिपी का यही नाम है। तो किन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होगी वो आपको बता देते हैं। चिकन का सीना है और उसको मैंने ये जुलन कट कर लिया। वैसे तो बेसिकली ये होता है कि लच्छा चिकन में बॉईल करते हैं और उसको फिर श्रेड कर लेते हैं, उसका रेशा कर लेते हैं और फिर उस तरह से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस रेसिपी में थोड़ा ट्विस्ट दे रही हूँ मैं और थोड़ा चेंज करके बना रही हूँ, क्योंकि मेरा ख्याल है कि चिकन बॉईल करने से उसका टेस्ट जो है वो सारा ख़त्म हो जाता है। तो ये ले लेंगे और इसको जूलन कट कर लिया हमने। लहसुन है 3-4 जवे और एक बड़ी हरी मिर्च थी जिसको चॉप कर लिया हुआ है, और 3 हरी मिर्चें जाएंगी गार्निशिंग में। और नमक मिर्च में बता देते हैं, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च चाहिए होगी, नमक हसबे जायका, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून। और ये 2 अदद टमाटर हैं जिनको मैंने चॉप कर लिया हुआ है। और तो चलिए शुरू करते हैं कि चिकन लच्छा कैसे बनेगा। जी तो ये पैन मैंने रख लिया और इसमें ऑयल डालेंगे तकरीबन 1/4 कप, और इसमें डाल देंगे लहसुन और हरी मिर्च। चिकन में मैं सारे स्पाइसेस डाल दूंगी और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। जी लहसुन डाल के इसको अच्छी तरह से सौते कर लेंगे, थोड़ा सा ये लाइट सा गोल्डन हो जाएगा। तो फिर इसमें टमाटो पेस्ट जो हमने बनाया हुआ है वो डालेंगे। जी लहसुन गोल्डन हो गया, अब इसमें मैं ये टमाटर डाल दूँ। तरह से पक जाए तो फिर इसमें चिकन ऐड कर देंगे। झटपट बन जाने वाली रेसिपी है और ये सैरी के लिए स्पेशली बहुत अच्छी है, फौरन बन जाती है। इफ्तार में भी आप खा सकते हैं, लेकिन ये कि सैरी में ये अच्छी लगेगी पराठे के साथ, लच्छा पराठा के साथ चिकन लच्छा बहुत ही मज़ा देगा। जी अब इसी में मैं ये चिकन ऐड कर दूँगी। चिकन में मैंने जो नमक मिर्च और ब्लैक पेपर थी वो डाल दी थी, अब इसको अच्छी तरह से पकाएंगे इसी में 10 से 15 मिनट में हमारा चिकन लच्छा रेडी हो गया बॉयल किए बगैर। जी देखेंगे हमारा जो है वो चिकन लच्छा अच्छा था रेडी हो गया है। मिर्चें भी अच्छी तरह से पक गई हैं, मसाला भून चुका है इसका, चिकन भी गल गया, चिकन भी अच्छा सा बन गया। अब इसको डिश आउट करेंगे। अगर आप इसके टेस्ट को और ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं तो 1-2 टेबल स्पून इसमें क्रीम के डाल दें और फिर इसको सर्व करें। जी हरी मिर्चों और धनिया से मैंने इसको गार्निश कर दिया है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। सैरी के लिए स्पेशली, सैरी के लिए ये बहुत झटपट बन जाने वाली रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करें। ये थोड़ी मैंने इसको ट्विस्ट दे दिया है कि जल्दी बनने वाली, बॉयल ना करना पड़े और जल्दी बन जाए। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल के आइकन को दबाना नहीं भूलेगा, इससे आपको मेरी नई नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। दुआओं में याद रखें। फिर मिलेंगे एक नई यूनिक रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।